आपने तीन तरीके देखे सीएसएस अप्लाई करने के। नंबर वन इज इनलाइन सीएसएस, इस तरीके से, देन इंटरनल सीएसएस, एंड थर्ड वन इज एक्सटर्नल सीएसएस। एंड नाउ आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, कैन यू टेल मी विच अप्रोच इज बेटर। चलिए बात करते हैं इनलाइन सीएसएस की। अब मान लीजिए आपका एचटीएमएल कोड बहुत बड़ा है और आपने उसमें इनलाइन सीएसएस मेंशन की है, और इन फ्यूचर अगर कोई चेंज आता है आपके स्टाइल में, तो आपके लिए डिफिकल्ट टास्क होगा कि आप उस कोड में उस सीएसएस को सर्च करें और उसमें मॉडिफिकेशन करें। सो इनलाइन सीएसएस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। बात करते हैं इंटरनल सीएसएस की। मान लीजिए आपके पास बहुत सारे एचटीएमएल पेजेस हैं और सभी एचटीएमएल पेजेस में सेम सीएसएस अप्लाई होनी है, सेम स्टाइल अप्लाई होना है, तो बताइए आप क्या करेंगे? आप सेम सीएसएस कोड सभी फाइल्स में लिखेंगे, जो कि अपने आप में एक डिफिकल्ट टास्क है। और मान लीजिए इन फ्यूचर स्टाइल में कोई चेंज आता है, कोई मॉडिफिकेशन आती है, तो आपको सभी फाइल्स की सीएसएस में मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी, जो कि एक दूसरा डिफिकल्ट टास्क है आपके लिए। तो इसलिए हम इंटरनल सीएसएस भी यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसे चांसेस हैं कि आपकी कोई फाइल में मॉडिफिकेशन रह जाए या कुछ गलत मॉडिफिकेशन हो जाए। सो इट्स ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस टू यूज एक्सटर्नल सीएसएस, बिकॉज अगर आप एक बार एक्सटर्नल सीएसएस फाइल बना लेते हैं, तो जहां पे भी आपको उस सेम सीएसएस को अप्लाई करना होगा, आप उस फाइल को इंक्लूड कर सकते हैं। और इन फ्यूचर अगर कोई चेंज आता है स्टाइल में, तो आपको सिर्फ एक जगह पे चेंज करना होगा और वो चेंज हर एक फाइल में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, जहां पे भी आपने उसको यूज किया है। सो आई होप इट इज क्लियर व्हाई वी शुड यूज एक्सटर्नल सीएसएस।